अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मौजूम अली है और फ्रॉम वीआईपी प्रॉपर्टीज। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक 10 मल्ले का ब्रांड न्यू हाउस है और आप देख सकते हैं इसका जो फ्रंट लुक है, इसमें फ्रंट पे आप देख सकते हैं इन्होंने स्टोन का भी काम किया हुआ है, बड़ा अच्छा इसके फ्रंट लुक है और डिसेंट किस्म का ये घर बना हुआ है। और इसमें घर के बिल्कुल फ्रंट पे आपको एक छोटा सा लॉन मिल जाता है गार्डनिंग वगैरह के लिए, आप इसमें गार्डनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये इसका कार रैंप है, इसमें टर्फ टाइल्स का इस्तेमाल किया गया। आए इसका आपको अंदर से विजिट करवाते हैं। ये इसमें टोटल इसकी अगर अकोमोडेशन की बात करें इस घर की, तो इसमें टोटल 5 बेडरूम्स हैं जिसमें से 2 बेडरूम्स इसके ग्राउंड फ्लोर पे हैं और 3 बेडरूम इसके फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो राइट नाउ मैं इस वक्त इसके कारपोर्च में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं स्पेशियस कारपोर्च है। क्योंकि इसका जो फ्रंट है 35 है, तो इसकी वजह से ये होता है कि इसमें कारपोर्च जो है आपके पास बड़ा आ जाता है, तो इसमें इजिली आपकी 2 बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पार्क हो जाती हैं, तो एक आपकी बड़ी गाड़ी भी पार्क कर सकती है, छोटी गाड़ी भी यहाँ पे इजिली पार्क हो सकती है। अब देख सकते हैं इसमें हमारे पास फ्रंट पे मैन 2 डोर्स आ जाते हैं, जो कि एक जो है लेफ्ट वाला ये ड्राइंग रूम के लिए, दूसरा जो है इसकी मैन एंट्रेंस है जो कि आपको नीचे वाले पोर्शन ऊपर वाले पोर्शन दोनों के साथ कनेक्ट करती है। अगर हम इसकी वुड वर्क की बात करें तो इसमें जो डोर्स हैं जितने भी हैं सारे ये सॉलिड एश वुड के डोर्स बने हुए, इनकी हाइट 8 फुट की तकरीबन बनी हुई है, तो उससे ये होता है कि घर आपका स्पेशियस लगता है। और एंट्रेंस के साथ ही हमें एक इस साइड पे पाउडर रूम मिलता है गेस्ट वगैरह के लिए, और आए इसका आपको हम अंदर से विजिट करवाते हैं। असल में इन्होंने ये एक पार्टीशन डोर लगाया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है, क्योंकि ये प्रॉपर डबल यूनिट हाउस बना हुआ है, इससे ये होता है कि आप एक पोर्शन इजिली आप अपना रेंट आउट कर सकते हैं, तो इसका आपको रेंट 65,000 से 70,000 तक ईजिली मिल सकता है एक पोर्शन का। तो इस वक्त मैं इसके टीवी लाउंज में हूँ, खुला बना हुआ स्पेशियस टीवी लाउंज है, और इस साइड पर इसकी मीडिया वॉल आ जाती है, इस साइड पे अपना आप LED लगा के यहाँ पे अपना सोफे वगैरह सेट करते हैं। इसके साथ बिल्कुल मेरे बैक साइड पे जो है किचन है, इन्होंने जो किचन बनाया हुआ इस पे शेल्फ पे इन्होंने पूरा ब्लैक ग्रेनाइट लगाया हुआ है, और इन्होंने जो इसकी जो कैबिनेट है सारी वाइट में दी हुई है, एक वाइट थीम में इन्होंने ये एक किचन बनाया हुआ है। इसमें जो एसेसरीज हैं सारी बड़ी अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है, हुड इसका बड़ा ऑटोमेटिक है, टच सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है। इसके अलावा ये जो बैक वाला डोर है ये आपको जो मैन बैक वाली गली है घर की उसके साथ कनेक्ट करता है, उसमें लॉन्ड्री वगैरह भी है, आपको अंदर दिखाते हैं। पहले इसके आपको बेडरूम्स एंड ड्राइंग रूम विजिट करवाते हैं। तो इसमें क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर मैंने आपको बताया इसमें 2 बेडरूम्स हैं, तो इस वक्त ये मैं इसके मास्टर बेडरूम में हूँ। इस घर में आप देख सकते हैं डिसेंट किस्म का काम हुआ हुआ है, इसमें इन्होंने कर्टन्स वगैरह भी लगाए हुए। बहरहाल इसमें इस साइड पे लेफ्ट साइड पे मेरे वार्डरोब्स मिल जाती हैं, और देख सकते हैं आप इसमें जो टाइल्स हैं वो सारी तकरीबन मास्टर्स की इन्होंने लगाई हुई पूरे घर में। इसके अलावा इसके साथ अटैच वॉशरूम है, आप वॉशरूम भी बड़े डिसेंट किस्म का बनाया है इन्होंने, गोल्डन इसमें टूटियां लगाई हुई हैं, और इसके साथ आपको शॉवर भी वो भी गोल्डन में मिल जाता है। जो कमोड्स हैं सारे मनाजी के, इसमें कमोड्स लगाए हुए हैं, और जो इसमें वैनिटी है वो इन्होंने पोटा की लगाई हुई है। आए इसको आपको दूसरा बेडरूम इसका विजिट करवाते हैं। इसके इस वक्त मैं दूसरे बेडरूम में हूँ, हम देख सकते हैं ये इसका दूसरा बेडरूम है। इन्होंने इसमें वॉलपेपर जो लगाया हुआ है बड़ा डिसेंट किस्म का वॉलपेपर लगाया हुआ है, और इसी तरह आपको इसके साथ कर्टन मिल जाते हैं प्रॉपर, और इसकी इसी के साथ एक अटैच वॉशरूम है। हर बेडरूम के साथ इन्होंने प्रॉपर अटैच वॉशरूम दिया हुआ है, और इस वॉशरूम में आप देख सकते हैं अब दूसरे पहले वाले आपने जो वॉशरूम में लगाई उसमें वाइट किस्म की टूटियाँ लगाई हुई, इन्होंने इसमें ब्लैक किस्म की लगाई हुई है, और उसी तरह गोल्डन टच के साथ, और कमोड आपको महाराष्ट्र का मिल जाता है, बड़ा अच्छी कंपनी है, और सैनिटरी है जितनी भी है सारी ये पोटा की, इसमें सारी फिटिंग्स हैं। इन्होंने इसमें ये टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है शॉवर केबिन को सेपरेट करने के लिए। तो आए इसका आपको हम ड्राइंग रूम विजिट करवाते हैं, उसके बाद आपको ऊपर वाले पोर्शन की तरफ ले जाते हैं।
इन्होंने ये ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम के बीच में पार्टीशन की हुई है। इससे ये होता है कि अगर आपका कोई अननोन गेस्ट है तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं। एक अगर आपके पार्टी करना चाहते हैं या घर में कोई महफिल है इस तरीके से, तो आप इसको पूरा ओपन भी हो जाता है तो आपके आपके पास एक बड़ा सा हॉल मिल जाता है। तो जिस तरह आपको बताया ये गेट है, डोर है सॉरी, जो कारपोर्ट के साथ कनेक्ट करता है। इस वक्त मैं इसके ड्राइंग रूम में हूँ। अब इसमें भी इन्होंने हर विंडो में कर्टन्स वगैरह लगाई हुई। इसकी जो विंडो है प्रॉपर पूरी एल्यूमिनियम के, उसके साथ आपको ग्रिल्स भी मिल जाती हैं। अगेन इसमें जो काम है, फैंस वगैरह हैं, वो भी सारे अच्छी क्वालिटी के इन्होंने लगाए हुए। इसमें जो इवन के जो डोर लॉक्स हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के इन्होंने लगाए हुए। इसमें आए इसका आपको ऊपर का पोर्शन विजिट करवाते हैं। इस वक्त मैं इसकी लॉबी में हूँ क्योंकि मेन डोर है, दूसरा उसके साथ सेपरेट है। तो ये एक प्रॉपर डबल यूनिट हाउस है, ये दो फैमिलीज के लिए बहुत है। अगर आप इसको एज ए सिंगल यूनिट भी यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और इन्होंने स्टेज में ग्रिल्स लगाई हुई है, उसके साथ आपको जो स्टेज में मार्बल मिल जाता है, बड़े अच्छे टेक्सचर में इनका मार्बल है। अब इन्होंने इस साइड पे भी गेट दिया हुआ है। इसका ये फायदा था कि अगर आप नीचे वाले पोर्शन में कोई छत यूज करना चाहता है तो यहाँ से प्रॉपर कर सकता है, क्योंकि इनका इनका गेट है, यहाँ से ये क्लोज हो सकता है क्योंकि ये प्रॉपर डबल यूनिट हाउस बना हुआ है। इस वक्त मैं इसके ऊपर वाले पोर्शन के टीवी लाउंज में मौजूद हूँ और बड़ा डिसेंट किस्म का ये घर बना हुआ है पूरा। इन्होंने इवन के यहाँ पे जो निशेस बनाई हुई है इसमें भी इन्होंने स्टोन्स का यहाँ काम किया हुआ है, बड़ा अच्छा है। और नीचे क्योंकि जो किचन था वाइट थीम में था, ऊपर ब्लैक एंड वाइट दोनों थीम में बनाया हुआ है। और इवन जो शेल्फ पे जो ग्रेनाइट है, ब्लैक ग्रेनाइट है, नीचे भी ब्लैक था ऊपर भी ब्लैक है, लेकिन ऊपर का जो किचन है वाइट एंड ब्लैक थीम में दिया हुआ है, बड़ा अच्छा डिसेंट किस्म का इसमें काम हुआ है। इसके अलावा इसमें कुछ एक्सेसरीज एक्स्ट्रा इन्होंने लगाई हुई हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, बड़ी अच्छी और डिसेंट किस्म का इसमें काम हुआ। आए इसको आपको हम बेडरूम इसके साथ साथ विजिट करवाते हैं। टीवी लाउंज में इन्होंने ये वॉलपेपर लगाया हुआ है, वो भी बड़ा अच्छा डिसेंट एक अच्छी लुक दे रहा है। इसका ये बेडरूम है क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे थ्री बेडरूम्स हैं। पहले आपको ये दिखा देते हैं, आप देखें हर बेडरूम में डिफरेंट किस्म की वॉलपेपर लगाए हुए हैं, कर्टन्स बड़े अच्छी किस्म के, कर्टन्स पूरे घर में ओवरऑल एक जैसे ही लगे हुए हैं, बल वॉलपेपर जो ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है। और इन्होंने जो वॉशरूम्स बनाए हुए हैं सारे गोल्डन में बनाए हुए हैं, इनको सोने से ज़्यादा प्यार है तो इन्होंने सोचा से सारा कुछ गोल्डन में ही बनाया हुआ है। देख सकते हैं वॉशरूम से बड़े डिसेंट किस्म के, इसी तरह टेम्पर्ड ग्लास के साथ आपको शॉवर कैबिन इसका मिल जाता है। आए इसके आपको दूसरे बेडरूम्स विजिट करवाते हैं। टाइल्स इन्होंने बड़ी अच्छी लगाई हैं, डिसेंट टेक्सचर्स के साथ हैं। एंड इस वक्त मैं इसके ऊपर वाली पोर्शन के दूसरे बेडरूम में हूँ। आप देख सकते हैं सिंपल काम हुआ हुआ है, अच्छा काम हुआ हुआ है। और इसी तरह इसके साथ भी आपको एक अटैच वॉशरूम मिल जाता है, देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें भी इवन के गोल्डन की ही सारी टूटियाँ लगाएंगे, देख सकते हैं काम। जो वैनिटी है पोटा की है, कमोड्स इसमें सारे जो है मराठी के कमोड्स लगे हुए, और टाइल्स भी बड़ी अच्छी डिसेंट किस्म की। हर वॉशरूम की एक अपनी टाइल थीम है। तो आए इसका आपको लास्ट बेडरूम दिखाते हैं। इसमें इन्होंने घर में जो मेन चीज़ है इसके जो टीवी लाउंज पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। ये थोड़े से नीचे वाला भी आप टीवी लाउंज देखा आपने, ऊपर वाले दोनों स्पेशियस बने हुए, क्योंकि ज़्यादातर आपका घर में टीवी लाउंज ही यूज़ होता है, तो उससे ये कि टीवी लाउंज इन्होंने स्पेशियस रखे हुए हैं। अभी इस वक्त मैं इसके तीसरे बेडरूम में हूँ, आप इसको मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं। देख सकते हैं खुला बेडरूम है, स्पेशियस, इनका नक्शा बहुत अच्छा किस्म का, इनका जो आर्किटेक्चर है बहुत अच्छा है। बेडरूम्स भी बड़े अच्छे हैं, इनके टीवी लाउंज साइजेस अच्छा है, वॉशरूम साइजेस भी बड़े डिसेंट किस्म के साइज के हैं, देख सकते हैं। अगेन टाइल्स की अपनी थीम है, हर वॉशरूम की इन्होंने डिफरेंट थीम रखी हुई है, और बाकी टूटियाँ सेम ही हैं। आए आपको इसका छत का विजिट करवा देते हैं। इसी के साथ आपको इस साइड पर ड्रेसिंग मिल जाती है, वार्डरोब उसके साथ ड्रेसिंग भी आपको मौजूद है। इस साइड पे इसका टेरेस है, अब क्योंकि शाम है वरना मैं आपको इसका विजिट करवा देता, लेकिन बहरहाल चलें इसका आपको हम छत का सर्वेंट क्वार्टर है वो विजिट करवाते हैं। लेट्स गो।
जी तो मैं इस वक्त इसके छत पे मौजूद हूँ और इन्होंने छत पे जो है सारी चिप्स की हुई है। चिप्स के ये फायदे होते हैं कि आपका घर काफ़ी सेफ रहता है, आपकी जो वॉल्स हैं वो डैमेज नहीं होती क्योंकि बारिश होती है, तो उसके साथ ये था कि अब मार्बल्स या टाइल्स लगाई जाएँ तो उसमें काफ़ी गैप हो जाता है, इसमें आपका गैप कवर हो जाता है, इससे आपकी जो वॉल्स हैं वो सेफ रहती हैं। और छत पे हमें एक वॉशरूम मिल जाता है, उसके साथ एक सर्वेंट क्वार्टर है बड़े अच्छे साइज़ का, एक बैरियर के स्टैंडर्ड साइज़ का बना हुआ है। और इसके अलावा आपको एक साथ ही एक वाटर टैंक मिल जाता है, उसके साथ प्रेशर पंप इन्होंने प्रॉपर लगाया हुआ है पूरा, देख सकते हैं। और इसी के साथ घर का हमने विजिट पूरा कर कंप्लीट कर लिया, और इसी तरह के इंशाल्लाह आपके साथ आपके लिए हम और भी वीडियोस बना रहे हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इंशाल्लाह नई नई वीडियोज़ आपको उस पर मिलेंगी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।